तुझ बिन दुनिया खाली। मजा आया? हाँ? कुछ ठीक नहीं है फहद, आप रशीद भाई को फोन करें, मेरा बच्चा ठीक नहीं है। सायरा, I'm sure you must have had a nightmare, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा? अब तुम्हारा जुर्म ज्यादा नहीं चलेगा, सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। फहद की कॉल आई थी, वो लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ता रह गया? जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ता। अरे तुम इस बेचारे पर जुल्म करते करते इतनी मसरूफ रही कि वक्त का तो अंदाजा ही नहीं रहा ना। तुम्हें क्या लगा कि जिंदगी भर ये हमारे साथ रहेगा? अब ये सोचना कि जब ये वापस वहां जाएगा और तुम्हारा जुल्म बयान करेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? खाम खाम मुझे ना डराएं, इसमें हिम्मत नहीं है कि मेरे खिलाफ एक लफ्ज भी बोले। हाँ, तुम्हारे खौफ की वजह से शायद इस मासूम की जुबान तो बंद रहे, लेकिन इसके जिस्म पर जो निशान है ना, वो खुद ब खुद तुम्हारा जुल्म बयान कर देंगे। एक चीज तो मैं बता दूं रुखसाना, अब तुम्हारा जुर्म ज्यादा नहीं चलेगा, सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। फहद की कॉल आई थी, वो लोग इसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे खौफ की वजह से शायद इस मासूम की जुबान तो बंद रहे, लेकिन इसके जिस्म पर जो निशान है ना, वो खुद ब खुद तुम्हारा जुर्म बयान कर देंगे। हाँ, ये कैसी मुश्किल आन पड़ी है। मेरा बच्चा कितने सुकून से खुश है यहाँ, अगर हम वापस गए तो मेरे बच्चे से सब कुछ छिन जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, बल्कि किसी तरह ये मनहूस उस घर में जाए ही ना। बस अब वक्त आ गया, मैं अब नहीं रुकूंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। दिल तो चाहता है इस मनहूस को जान से ही मार दूं। खीर बनाई है मैंने सबके लिए। खीर? वाह जी वाह, क्या बात है। लेकिन आज अचानक खीर कैसे? कोई खास दिन तो है नहीं? क्यों, खीर सिर्फ खास दिन ही बनती है? नहीं नहीं, जरूर बना सकती हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम खुद बुरा मनवा रही हो। जुनेद कहाँ है? जुनेद बस यहीं कहीं था, अभी बुलाता हूँ। जुनेद, जुनेद बेटा। हाँ। मगर ये तीन बोल जी क्यों, कासिम को नहीं खिलाओगी? वो ऊपर है ना, अभी लेकर जाती हूँ उसके लिए। क्या हो गया भाई, आज कहीं सूरज मगरिब से तो नहीं निकला? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। जुनेद ये खाओ। ये शायद
किचन से जलने की बू आ रही है। हाँ कुछ जल रहा है, ला खैर करे। लगता है कि खीर बनाने के चक्कर में पूरे घर को आग लगा दोगी। ये इधर, इधर। कासिम, तुमने खीर खा ली? थोड़ा सी। क्या हो गया, खीर ही तो खाई है। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रशीद, रशीद इसके पेट में दर्द है, जल्दी से गाड़ी निकाले, डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी करें जल्दी। हॉस्पिटल? क्या हो गया रुखसाना, पेट में ही तो दर्द है, उसे कोई सिरप पिला लो। अरे सिरप वगैरह नहीं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जाएं गाड़ी निकाले, कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अरे जाएं ना, बात क्यों नहीं सुन रहे हैं आप, नुकसान हो जाएगा कोई। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, मनूज कहीं का मरता भी नहीं है। अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूं, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, मनूज है तू। को कुछ अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, इसको बचाओ। रुखसाना खुदा के लिए बताओ, अरे भाई मसला क्या है, क्यों रो रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मुझसे कुछ ना पूछे, मैं कुछ नहीं बता सकती। क्यों कुछ नहीं बता सकती, आखिर कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? खुदा के लिए रुखसाना कुछ बता भी दो। मुझे लगता है उसने जहर खा लिया। जहर खा लिया? अरे तुम होश में तो हो, जहर कैसे खा लिया? और अब जहर आया कहां से? देखो साफ साफ बताओ रुखसाना। उस मनहूस के लिए मैंने खीर में डाला था, मुझे क्या पता था कि कासिम खा लेगा। रुखसाना ये तुमने क्या हरकत की है रुखसाना? इसमें ना बचाओ, किस किस्म की औरत हो तुम, किस किस्म की माँ हो? अपने बच्चे की तो बड़ी फिक्र है, अल्लाह मियां से दुआएं मांग रही हो, दुरूद पढ़ रही हो, और किसी और की औलाद के बच्चे को तुम मारना चाहती हो, चाहे वो मनहूस मेरी तरफ से। ये तुम्हें सोचना चाहिए था रुखसाना कि मक्का फाते अमल से कोई नहीं बच सकता। जो जाल तुमने किसी और की औलाद को मारने के लिए बिछाया था, उसी जाल में तुम्हारा बच्चा फंस गया है। मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। अगर मेरे कासिम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिस्टर रशीद जी, जी डॉक्टर साहब, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब पक्की बात? वो कोई मसले की बात नहीं है, बच्चे अमूमन उल्टी सी चीजें खा लेते हैं, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो जाता है। मैंने दवाई दे दी है, वो दर्द भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कासिम ने खीर नहीं खाई तो मैं घर जा रहा हूं, तुम कासिम को लेकर आना। वो रुखसाना ये अल्लाह खैर, जुनैद मेरे बच्चे। रुखसाना रुखसाना होश में आओ, ये कत्ल है, कत्ल, कोई मजाक नहीं। तुझे बिन दुनिया खाली, तुझे बिन Oh.
जुनैद, 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 ये अल्लाह खैर, जुनैद, मेरे बच्चे, जुनैद बेटा, जुनैद बेटा, जुनैद जुनैद, क्या हो गया तुझे? जुनैद मेरी जान, आंखें खोलो। जुनैद क्या हुआ था अबू? मेरी जान, आप ठीक हो? मुझे क्या हुआ था? उठो, खड़े हो जाओ। ये अबू आप कहाँ चले गए थे? मुझे डर लग रहा था। मेरी जान, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, आइंदा ना मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। ये क्या है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं रुखसाना, कि आखिर ये सब है क्या? क्यों की तुमने इतनी घिनौनी हरकत? क्यों मिलाया तुमने इस खीर में जहर? क्यों मारना चाहती हो उस मासूम से बच्चे को? कह दिया ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया था मुझे। एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप? बता तो चुकी हूं आपको। क्यों ना पूछूं? आखिर हरकत ही तुमने ऐसी की। जरा सोचा था कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, आखिर आप क्या जवाब देते? क्या हो जाता? कुछ नहीं होता, चंद दिन का सोग होता, फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते। रुखसाना, रुखसाना, होश में आओ, ये कत्ल है, कत्ल, कोई मजाक नहीं। और एक नन्हे से मासूम से बच्चे की जान लेना तुम्हारे लिए इतना आसान काम है? कहां मर गया तुम्हारा जमीर? हाँ, मर गया मेरा जमीर, पागल हो गई हूँ मैं। एक बात आपको बता रही हूँ, ये बच्चा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये मनहूस वापस गया तो ये मेरे बच्चे की खुशियों को खा जाएगा। और तुम्हें लगता है कि उसे मारने से तुम्हें कोई फायदा पहुँचेगा? हाँ पहुँचेगा ना फायदा, जो उसका है वो मेरे बच्चे का हो जाएगा। यही तुम्हारी गलत फहमी है रुखसाना, तुम क्यों नहीं समझती? किसी और बच्चे की किस्मत मिटाकर तुम अपने बच्चे की किस्मत में नहीं बदल सकती। बदल सकती हूँ मैं, और बदल के दिखाऊंगी। कोशिश तुमने की है, नतीजा अपने ही बच्चे की जान मुश्किल में डाल दी। अरे वो तो किस्मत मेहरबान थी कि इसने ये जहरीली खीर नहीं चखी, वरना तुम्हारे इस हरकत पर ना तुम जिंदगी भर पछताती रहती। बस करे मुझे लेक्चर ना दे, मेरी बात कान खोल के सुन ले आप। ये बच्चा वापस नहीं जाएगा, इसका कोई रास्ता ढूंढ ले आप, ये कह रही हूँ मैं आपसे। क्या करूं मैं इसका? जान छुड़ाने की कोशिश भी की तो ये बच गया। कल दोबारा मैंने ऐसी कोशिश की तो कहीं रशीद मेरे काबू से बाहर ना हो जाए। अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, ये वापस अपने घर तो नहीं जा सकता। क्या करूं मैं? अरे क्या करूं इसका? हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन अभी मैं इसे घर से बाहर नहीं लेकर जा सकती। रशीद मेरे रास्ते की रुकावट बनेंगे, किसी तरह पहले रशीद को यहां से भेजना होगा, तब कहीं जाके मैं ये काम कर सकती हूँ। बाद में समझा लूंगी मैं रशीद को कि वही जगह ठीक है उस मनहूस के लिए। इस तरह तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे गुड कैच, आने दे। वेल डन।
गिरा दिया। वो जो मैंने आपको लिस्ट दी थी सामान की, वो आप ले आए थे? हाँ हाँ, वो तो सुबह ही ले आया। क्यों, कुछ रह गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं रह गया। वॉक पे भी नहीं गए आज तो आप? नहीं, आज जी नहीं चाह रहा था। सोचा कि घर पर ही रुकूं और अपने बेटे कासिम के साथ खेलूं। कैच ये। अच्छा, मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ, वो कुछ कपड़े हैं दर्जी को देने, अगर वो दे आए तो। हाँ हाँ, जरूर ले जाऊंगा। वैसे तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है ना? शाम को जब निकलेंगे तो छोड़ आएंगे। नहीं नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगी। वो हफ्ता हफ्ता लगा देता है कपड़े वापस करने में, फिर उसका ये भी नहीं पता कब दुकान बंद कर दे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अगर मेरा बेटा कासिम मेरे साथ चलेगा। चलेंगे साथ? साथ चलूंगा बाबा। ये बिना बात आ जा। इसको पकड़ो। अच्छा, इसकी भी जरा आउटिंग हो जाएगी। हाँ हाँ, आ जाओ। चप्पल पहन लेते और मैं आपको जबरदस्त आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। आज लेकर आना। रुखसाना, तुम कहीं जा रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ ढूंढ रही थी। आप गए नहीं? क्या मुंह दिखाने जाता, कपड़े तो तुमने दिए ही नहीं। कितनी पागल हूं मैं, अभी देख, बिल्कुल भूल गई मैं। ये क्या हो गया मुझे? ये ले, ये कपड़े। यही है ना? हाँ यही है। ओ कासिम, इस बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं? बड़ा बदकिस्मत बच्चा है जी ये। इसके माँ बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। इसका कोई नहीं है दुनिया में। कोई रिश्तेदार तो होगा? एक दूर के ताया है, मुझसे बाहर रहते हैं। उनको भी हमने कॉल किया था, लेकिन उन्होंने भी इसकी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया। ये बेचारा अकेला है इसलिए। तो आप कौन है इसके? हम तो जी पड़ोसी है, बस उसी का हक अदा कर रहे हैं। तो अब क्या परेशानी है? वो दरअसल जी, मेरे शौहर की आमदनी इतनी नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसलिए मैं इसको यहाँ लेकर आई। अम्मी घर चले ना। आप इसकी ताई हैं? नहीं नहीं, मैं इसकी ताई नहीं हूँ। पड़ोस में जितने भी बच्चे रहते हैं ना, वो मुझे ताई ताई अम्मी कहते हैं, इसलिए ये भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप यहीं छोड़ जाए, लेकिन आपको अपना NIC और घर का एड्रेस को यहाँ लिखवाना पड़ेगा। वो क्यों? देखें, हम ऐसे बच्चों को कम ही रखते हैं अपने पास। फिर इस बच्चे के पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है आपके पास। कल को कोई मसला हो तो हम आपको बुला सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कोई मसला नहीं होगा इसका, इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यकीन करें। ठीक है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन हमारा भी अपना तरीकाकार है। अगर आपको कोई मसला है तो आप इस बच्चे को वापस ले जा सकती हैं। अच्छा नहीं नहीं, मैं करा देती हूँ जी, ID कार्ड वगैरह जमा करा देती हूँ। ठीक है, आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दें और बाहर काउंटर पर इस बच्चे की डिटेल लिखवा दीजिए। मैं कर। ताई अम्मी कहाँ जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही, बस मैं अभी आती हूँ। हाँ ताई अम्मी, मुझे भी आपके साथ जाना है। मैं कह रही हूँ ना, आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए चीज लेने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आ जाओ, शाबाश, यहाँ बैठो, दो आओ, शाबाश, रो तो नहीं है, देखो इधर आओ बेटा। अरे ये लो जी, आखिरकार मैं तुम्हारे कपड़े दर्जी तक पहुंचा ही यार। शुक्र है, मैं भी सोची थी आप कहाँ रह गए, एक छोटा सा तो काम कहा था मैंने आपको। जाओ बेटे, जाके खेलो। वैसे तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। क्यों, मैं खुश नहीं हो सकती? आज मेरा मूड अच्छा है तो आप मुझे बातें सुना रहे हैं।
नहीं नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा था। बेशक खुश हो सकती हो, तुम तो खामखां बुरा मना रही हो। मैंने भी सोचा आपकी किसी बात का बुरा भी नहीं मानूंगी, आपसे लड़ूंगी भी नहीं। छोटी सी तो फैमिली हमारी, मैं चाहती हूँ हम खुश रहें। मैं भी यही तो चाहता हूँ। अच्छा सुने, मेरी बात सुने, जब से हम यहाँ आए कहीं बाहर घूमने नहीं गए, आज बाहर चलते हैं और खाना भी बाहर खा के आएंगे। हाँ हाँ जरूर, ये तो बहुत ही जबरदस्त प्लान है। तो फिर मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ आप तैयार हो जाए, मैं बच्चे को चेंज कराती हूँ। कासिम जल्दी आओ, आज बाहर जा रहे हैं घूमने, झूलों पे भी जाएंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ, खाना भी बाहर खाएंगे। आ जाओ आ जाओ। इतनी देर लगा दी है। अरे कहाँ रह गए थे आप? चलो वो बस तैयार हो रहा था। देर हो गई है, चलें चलें जल्दी चलें। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि कासिम हमारे साथ चल रहा है तो क्यों ना हम जुनैद को भी साथ ले चलते हैं। नहीं नहीं, उसको ले जाने की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि वो हमारी फैमिली में शामिल हो। पता नहीं आप उस मनहूस का जिक्र क्यों ले आते हैं। अरे वो नन्हा सा बच्चा है, यूं घर पे अकेला रह रहे के आखिर परेशान हो जाता है ना। कोई पहली दफा नहीं रह रहा वो अकेला। एक तो मेरा मूड अच्छा होता है और आप उसका नाम लेकर ना मेरा मूड खराब कर देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं मुझे। ठीक है भाई मैं नहीं जाती, आप इन्हीं को ले जाएं। अरे ठीक है बाबा हम चलते हैं, मैं बस अभी आया। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जुनैद से मिलने जा रहा हूँ, उसको बता दो तू कि हम जा रहे हैं, वरना वो घबरा जाएगा ना। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर आपने उससे कुछ कहा तो फिर वो जिद करेगा साथ चलने। नहीं भाई वो जिद नहीं करेगा, मैं बस अभी आया। मैं कह रही हूँ ना रहने दें, चलें देर हो रही है। क्यों रहने दें? अरे क्या क्या फिर से तुमने जुनैद के साथ कोई हरकत की है? क्यों मैं क्यों ऐसा करूंगी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो फिर मुझे उससे मिलने क्यों नहीं देना चाहती? चल रहे हैं कि नहीं? हरगिज नहीं, जब तक मैं जुनैद को ना देख लूं मैं कहीं नहीं चलूंगा। जुनैद, जुनैद कहां है रुखसाना? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो रुखसाना, ना जुनैद ऊपर है और ना ही उसकी कोई चीज है। कहां छोड़कर आई हो उस बेचारे को? मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं पता है। और मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ जुनैद कहां है। अरे छोड़े मेरा हाथ। कब पूरे 5 साल हो जाएंगे और हम अपने जुनैद से मिल पाएंगे? मजाक कर रहा था यार, याद है मुझे, मेरी बात होगी दर्शी भाई से, बोलो इंशाल्लाह कल निकलेंगे वहां से। बस कर दें आप, आपने कुछ नहीं किया और अब वक्त गुजर गया है, लेकिन अब जो मैं करूंगी ना वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या मतलब? मैं अपने बच्चे को लेकर मैके जा रही हूँ, मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो गया है। अरे अरे ये कैसी बातें कर रही हो रुखसाना? तुझे बिन दुनिया खाली, तुझे बिन दुनिया खाली। जुनैद, 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 जुनैद बेटा, जुनैद, रुखसाना, जुनैद कहाँ है रुखसाना? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो रुखसाना, ना जुनैद ऊपर है और ना ही उसकी कोई चीज है, कहाँ छोड़कर आई हो उस बेचारे को? मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं पता है। और मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ जुनैद कहाँ है। अरे छोड़े मेरा हाथ, मुझे जरा बात ना करें। खुदा के लिए बता दो कहाँ छोड़कर आई हो। क्या हुआ बेटे, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो?
नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना। तो अब तो आपका यही घर है ना? नहीं मुझे अपने घर जाना, अपने ताबू के पास। बच्चे पता है अगर आपने अभी खाना नहीं खाया ना तो रात भर फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं। चलो शाबाश खाओ, थोड़ा सा खाओ। चलो जिद नहीं करते ये लोग, खाओ चलो खा लो, जल्दी खाओ। चलो ये लो खाना खाओ, चलो जल्दी कर, ठीक है? चलो खाओ, जल्दी खाएं शाबाश। रुखसाना वो मासूम सा बच्चा है, वैसे ही अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रहा है। क्या तुम उसे हमेशा के लिए तन्हा करना चाहती हो? बस समझ ले कि तन्हाई उसका मुकद्दर है, और आप इतना परेशान क्यों हो रहे? जिंदा है वो, मार नहीं दिया मैंने उसे। लेकिन जो तुम उसे सजा देना चाहती हो ना, वो मौत से भी बदतर है। उसके अपनों के होने के बावजूद तुम उसे सारी जिंदगी की तन्हाई देना चाहती हो। तन्हा है तो क्या हुआ, जिंदा तो है ना, आपको तो इसी बात पे खुश होना चाहिए। खुश? खुशी नहीं रुखसाना, बल्कि शदीद दुख होता है कि तुम्हारे अंदर का इंसान बिल्कुल मर चुका है। हर एक कुछ ही दिनों की बात है जब उसके माँ बाप फोन करके पूछेंगे कि कहाँ गया उनका लाडला, तो क्या जवाब दोगी तुम? क्या कहोगी? बहाने बहुत है रशीद, आप फिक्र ना करें, कह देंगे कि गुम गया, कोई उठा के ले गया। गुम गया? ऐसे कैसे गुम गया? वो हमारी जिम्मेदारी है रुखसाना, हमें जवाब देना होगा। वो लोग घर से हमें निकाल देंगे और फिर तुम्हारे सारे सुनहरे ख्वाब क्या होगा उनका। इसीलिए मैं कह रहा हूं रुखसाना, बता दो कहां छोड़ा ही उस मासूम को। मैं उसे यतीम खाने छोड़ रही हूं। यतीम खाने? या अल्लाह, कितनी कितनी बेहिस हो तुम, तुमने अपनी जुल्म की इंतहा कर दी। कौन से यतीम खाने में छोड़कर आई हो, बताओ मुझे, बताओ रुखसाना। रुखसाना मुझे उस यतीम खाने का नाम बताओ। रुखसाना बता दो कहां छोड़कर आई हो उसे। नहीं बताऊंगी मैं, इसलिए कि अगर वो अपने माँ बाप के पास चला गया ना तो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगी। रुखसाना, रुखसाना! घर जा रहे हैं। आपका घर है? हाँ। तो फिर आप यहाँ क्यों? मैं नहीं आया, मेरी तारी अम्मी ने मुझे यहाँ छोड़ा। तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? मैं पता नहीं, हम तो यहीं रहते। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा मर गए। तुम रो मत, देखो मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मैं नहीं रोता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अरमान है। मेरा नाम जुनेद है, आपसे हम दोस्त हैं। जी जुनेद, अभी तो बताया जुनेद नाम है। आज सुबह भाई, यही तकरीबन 5 साल का, ऐसा कोई बच्चा नहीं आया। अच्छा देखिए, मेरा नंबर है आपके पास, अगर आपको कुछ भी पता चलता है ना, कुछ भी, तो फौरन इतला कर दें। मेरी माँ ने, भूल जाएं उसे, आए खाना खा लें। खाना खा लूं? मैं खाना खा लूं और वो वहां बेचारा भूखा रहे? खुदा के लिए, खुदा के लिए रुखसाना बता दो, कौन से यतीम खाने में छोड़कर आई है उस बेचारे को? बता दूं आपको ताकि आप उसे वापस ले आएं? हरगिज नहीं, इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। तो फिर ठीक है, ना बताओ,
मैं उसे किसी ना किसी तरह जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ हाँ ठीक है, कर ले आप अपनी कोशिश, ढूंढ लूंगा। ये मुश्किल से जान छूटी है। रशीद ये अलार्म तो बंद करें। रशीद 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 बाथरूम बाथरूम में नहीं है। गाड़ी की चाबी भी नहीं है। कहां जा सकते हैं? कहीं माजान, वो एक बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। दरअसल क्लासें इसलिए खाली है कि रेसेस टाइम है। अच्छा, और बच्चे ग्राउंड में गए हो? आइए जी। हाफ आवर का रेसिंग टाइम है, उसके बाद बच्चे आ गए। और कितने बच्चे लगभग होंगे? तकरीबन 100 के करीब बच्चे हैं अभी फिलहाल। अच्छा जी जी, देखिए यहाँ 100 बहुत सारे बच्चे हैं। इनमें से कोई बच्चा है आपका? इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ आसपास कोई और यतीम खाने की डिटेल्स दे सकते हैं? इस शहर में तो बहुत सारे यतीम खाने हैं सर। नहीं नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस इलाके में आसपास के करीबी? जी हाँ, करीब में हमारी एक ब्रांच और है, उसकी जरा डिटेल्स दे दें। आइए मेरे साथ जी। अरे जुनैद, जुनैद मेरे बच्चे। अरे बच्चे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे जुनैद। आप ठीक तो हो ना? आप ठीक हो? मेरे बच्चे। अरे कहाँ चले गए सुबह सुबह? इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। जहर लगती है मुझे ये हरकतें। कितनी बार मैंने मना किया। अरे रशीद आप कहां चले गए थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे। जुनैद को लेने? मुझे पता था इसी मनहूस को लेने गए होंगे आप। ये आपने अच्छा नहीं किया। तो क्या करता मैं, मजबूर था, उसे वहां तो नहीं छोड़ सकता था ना। आप हमेशा इसे बचाते रहे और अपनी बातों में लगा के मुझे बेवकूफ बनाते रहे कि आप हमारी जिंदगी से इसे दूर रखेंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। रुखसाना मुझ पर भरोसा रखो, मैंने जो कहा वो करके दिखाऊंगा। आखिर मैं भी तो अपने बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। बस कर दें आप, आपने कुछ नहीं किया और अब वक्त गुजर गया है, लेकिन अब जो मैं करूंगी ना वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या मतलब? आपने से वापस आके ना अच्छा नहीं किया है। मैं अपने बच्चे को लेकर मैके जा रही हूँ, मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो गया है। अरे अरे ये कैसी बातें कर रही हो रुखसाना? देखो देखो इस वक्त तू गुस्से में ना, इसीलिए ऐसी बातें। मैं आज ही जा रही हूँ। रुखसाना जरा सोचो, इतना बड़ा फैसला तुम कैसे कर सकती हो? मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे आप? अच्छा अच्छा देखो देखो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। तुम जैसा चाहोगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन लेकिन प्लीज खुदा के लिए अपना फैसला बदल दो रुखसाना।
आओ जुनैद, आओ बच्चे, आओ आओ मेरे साथ। सायरा, सायरा, अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन तुम कहाँ गुम थी? मैंने कहाँ घूमना, यही हूँ। अच्छा जी, मैडम अगर आप यहाँ होती ना तो आपको मेरे आने का एहसास हो जाता। जुनैद के बारे में सोच रही थी। क्या आपने रशीद भाई को कॉल कर दी है ना? मैंने रशीद भाई को क्यों फोन करना था? फहद, आप कैसे भूल सकते हैं, आज हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी। कल पूरे 5 साल हो जाएंगे और हम अपने जुनैद से मिल पाएंगे। मजाक कर रहा था यार, याद है मुझे, मेरी बात होगी थी रशीद भाई से, बोलो कि इंशाल्लाह कल निकलेंगे वहां से। कल क्यों, आज क्यों नहीं? बाबा टिकट नहीं मिली ना इसलिए। फहद, हम चलें लेने। मेरी जान, जहां इतना इंतजार किया मैं एक दिन और सही। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, बहुत भारी हो गया है। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, कल सुबह होते साथ ही चले। अब खुश एक बात बताओ, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा, कल फाइनली हमारा बेटा हमारे पास होगा, यकीन नहीं आ रहा। क्या बात है रुखसाना, कहाँ खोई हुई हो? मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह कासिम वहाँ बड़े घर में उसी तरह रहेगा जैसे हमारे घर में रहता है। क्या आपको वाकई लगता है जो कुछ वो अपने बच्चे के लिए करेंगे ना, मेरा बच्चा एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगा? देखो जाहिर सी बात है, जितना फहद जुनैद के लिए करेगा उतना हम कासिम के लिए तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमसे जितना होगा वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर उस मनहूस से जाके वहां मुंह खोल दिया तो? इसलिए तो मैं कहता था कि उस पर जुल्म ना करूं। खैर जो होगा ना देखा जाएगा। अच्छा मैं ये बताने आया था कि प्लान सडनली चेंज हो गए ना, तो तुम्हें पैकिंग करनी होगी। क्यों, वो लोग नहीं आ रहे? नहीं नहीं, अचानक सायरा की तबीयत नासाज हो गई है, इसलिए हमें वहां जाना पड़ रहा है। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से सामान लाता हूँ, तब तक तुम पैकिंग मुकम्मल करो, नाश्ता करते फिर निकलेंगे। किस्मत भी खूब रास्ते बनाती है, अब मेरा मकसद पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी हो जाए इस मनहूस को तो मैं इसके घर नहीं पहुंचने दूंगी। जी पानी पी ले। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जुनैद। जुनैद, बहुत प्यारा नाम, और तुम भी बहुत प्यारे हो बच्चे। खोल दे बेटा।
अभी तो कहा है कि मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। तो फिर ठीक है, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे, आप मदाखलत मत करें। अरे क्या कर रहे हो, शीशा तो सही से साफ करो, मुझे पूरा घर चमकता हुआ नजर आना चाहिए। जानते हो ना कौन आ रहा है? जरीना, जरीना। जी बेगम साहबा। सारी तैयारी कम्प्लीट हो गई है ना? बेगम साहबा, जो आपने कहा था मैंने सब कुछ मंगवा लिया। बहुत अच्छा खाना बनाना है जरीना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम यहीं पर बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अकेले बहुत डर लगेगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ ना वैसा ही करो, बात माना करो, यहीं पर बैठे रहना, मेरे पीछे मत आना, हिलना मत यहाँ से।